अस्सलाम वालेकुम आज स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। बिफोर दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द क्लोरीन, इट्स प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हीकल प्रॉपर्टीज एंड विथ यूजेस। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन में हम आज वाले लेक्चर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टडी करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, किसने प्रिपेयर किया था और उसके बाद उसके नेम जो फर्स्ट दिया था वो किसने भी दिया था। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद उसके प्रिपरेशंस। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया था वो था गिलेबर, प्रिपेयर्ड इट इन 1648, ठीक। और किससे बनाया था, फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनना था, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद क्या बनता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर है वो यूजिंग। सो दैट्स व्हाई इफ टेम्परेचर इज लेस देन 200 देयर विल बी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 देयर विल फॉर्म्स सोडियम सल्फेट। तो गिलेबर ने प्रिपेयर किया था कब, 1648 में, किसके प्रिपरेशन से, सोडियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट। उसके बाद इसका जो नेम दिया था वाज गिवन बाय लेवाजियर, और इसका नाम जो लेवाजियर ने दिया था वो इसने म्यूरेटिक एसिड इसको कहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम लेवाजियर ने दिया था, इसने जो फर्स्ट नेम दिया था म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, ठीक। ये थे इसके इंट्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किसने प्रिपेयर किया था, गिलेबर ने, नेम किसने था, लेवाजियर ने, ये बात भी याद रखनी चाहिए। अब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंट्रोडक्शन तो किया था, अब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम दो मेथड में प्रिपेयर करते हैं, जैसे सारे जो जितने पहले हमने कंपाउंड स्टडी किए हैं, एक लेबोरेटरी मेथड, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड। पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में मीन्स हम इसको स्मॉल क्वांटिटीज में बनाते हैं और इजी मेथड होती है, उसको हैंडल करना भी इजी होता है लेबोरेटरी में, और इंडस्ट्री में उनको हैंडल करना भी डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे मेजर कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं और उस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेनेंस करना वो लेबोरेटरी कंपेयर में बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे वर्कर्स भी बहुत होते हैं। तो पहले बात है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या था कि कॉमन साल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, temperature might be difference above than 200 or less than 200, I already told you, depend upon the temperature the sodium sulfate will form or sodium hydrogen sulfate will form with hydrochloric acid, ठीक है। और अब इसकी स्टडी करते हैं किस मेथड में इसको प्रिपेयर किया गया था। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फोरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेटेड है, जैसे इसको हीट करते हैं टेम्परेचर लेस देन 200 तो यहां पे बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर यहां पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 है, मैं यहां पे सेम लिख लेता हूं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे फॉर्म हो जाएगा सोडियम सल्फेट N2SO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मीन्स ये डिफरेंस है कि टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। ये हमारी बुक में नहीं है,
ये ICSE जो बुक है उसमें ये पॉइंट वाजे करके लिखा हुआ है, ठीक है। और इस मेथड में जो एपर्टस यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, जाहिर सी बात है हम लेबोरेटरी में एपर्टस यूज करते हैं, एपर्टस सेम यूज करते हैं जैसे हमने पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन किया था, सेम मेथड में। थोड़ा डिफरेंस है मगर हमारे बुक में तो वो भी डिफरेंस नहीं लिखा, मगर मैं आपको समझाता हूँ किस मेथड में, बुक का जो डायग्राम है वो आपको फिगर में से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको जिसे नाम भी दिया हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने क्या डाला था, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब इसमें थर्स्टर फनेल जरिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एफरेंस होती है, तो यहाँ से गैस निकलता है, वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से इस साइड पे जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे बुक्स में डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक डायरेक्टली प्रिपेयर होगा ये क्या होगा, इसमें इम्प्योरिटीज होंगे, इम्प्योरिटीज। तो हम क्या करते हैं यहां, इंस्टेड ऑफ दिस इम्प्योर गैस वी हैव टू ओपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्योर फॉर्म। तो हम प्योर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली ओपन के बजाय हम यहां पे क्या करते हैं, मैं सिंपली यहां पे डिलीवर ट्यूब समझाता हूं आपको, ये डिलीवर ट्यूब है, यहां से हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं, क्या कहते हैं यहां पे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहां पे भी सल्फर, ये सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से इंटेक आ जाता है यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है और फिर यहां से बाहर निकल जाता है। तो अभी हमारे पास जो फिर यहां पे ये जार सेम एक्सटर्नल यहां पे बड़ा होता है, तो मीन्स यहां पे हमारे पास क्या बनता है, ये जो है ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ड्राई HCl। तो यहां पे ये क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। अब यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो काम कर रहा है एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। अब ड्राइंग एजेंट तो काम तो कर रहा है मगर यहां पे और भी होते हैं, जैसे हमारे पास फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ये ड्राइंग एजेंट तौर काम नहीं करके, क्योंकि ये डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे ये हम इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं एज अ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ड्राइंग एजेंट तौर यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स होता है। तो यही सिंपल मेथड था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है वो बाद में, अभी जो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन यही था। तो अब जो बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम डिफरेंस मेथड्स में करते हैं, जिसमें हमारे पास मोस्टली तीन वे हैं। पहले तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन को डायरेक्टली कंबाइन विद क्लोरीन एट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एट हाई टेम्परेचर। तो मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर भी होती है और हम क्या करते हैं एक्टिवेटेड जो है कार्बन्स लेते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन्स क्या करता है यहाँ पे उसको एंजाइमेटिक तौर काम करता है, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाती है, ये रिएक्शंस भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक। उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं कैसे, नॉन मेटल जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, जब उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास फास्फोरस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स होता है। जो थर्ड मेथड है जिसमें हम सिंपली क्लोरीन को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन मिलता है, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था। और दूसरा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं, सल्फर मेटल के फॉर्म में रिलीज होता है और हमारे पास जो फॉर्म्स होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। ये सारे मेथड्स जो स्टडी करेंगे मैं आपको बताऊंगा ये हमने कहाँ कहाँ स्टडी किए थे। तो चलते हैं पहले जो मेथड है इसका, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। फर्स्ट कौन सा है, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डायरेक्टली कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली कंबाइन किस मेथड में करते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन एज ए कैटालिस्ट, ठीक। अगर इंडस्ट्रियल में नहीं हो सिंपल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्ट होते हैं, ये एक्सप्लोसिव होता है, तो इसलिए हम इंडस्ट्री में इस मेथड एक्टिवेटेड कार्बन कैटालिस्ट के जरिए करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन कैटालिस्ट। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक के अप्रोक्सीमेटली 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। तो मेस एनर्जी क्या है, एक्सोथर्मिक है।
रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है कि वो फेवर करेगा लो टेम्परेचर को, किस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को फेवर करता है एंड हाई प्रेशर फेवर करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए, इस मेथड में इसको प्रेफर करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजनिक क्लोरिन का। ठीक, और सेकंड मेथड जो है हम इसमें प्रिपेयर करते हैं नॉन मेटल से, सेकंड फ्रॉम फास्फोस ट्राइक्लोराइड। फास्फोस ट्राइक्लोराइड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनता है, फास्फोस ट्राइक्लोराइड प्लस वाटर। जैसे हम वाटर के अंदर इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड H3PO3 फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम फास्फोस ट्राइक्लोराइड से हम इस मेथड बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन को बैलेंस, 3 यहाँ पे बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और सेकंड जो मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन विद वाटर, ये दो मेथड्स हैं इसके, फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रॉपर्टीज भी याद हैं तो हमने किस, हाइड्रोजन सल्फाइड विद क्लोरीन तो क्या बन रहा था, सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, यही मेथड होता है, यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे दो दे देंगे तो इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। और इसके बाद वाटर के अंदर हम क्लोरीन्स क्या होता है, खुद डिसॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इसका कंप्लीट इक्वेशन का आपको पता है, HCl प्लस हम ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम दी क्लोरीन डिजॉल्विंग इन वाटर। ये थे इसके प्रिपरेशन के मेथड। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, कलरलेस गैस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर होता है। उसके बाद स्लाइटली हेवियर है एयर से, स्लाइटली हेवियर देन एयर। तो अब थोड़ा हम इसको रिपीट करते हैं, जैसे आपको फिर से समझाते हैं अगर कोई पॉइंट्स मिस हो गया हो तो अब देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन में हमारे पास फर्स्ट जो कंपाउंड्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रोडक्शंस में तो क्या है, गलिबर प्रिपेयर्ड इट इन 1648, कहाँ से, सोडियम क्लोराइड को कंसर्ड सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम सल्फर्स फॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल्स होता है, टेम्परेचर ग्रेटर है या 200 से या टेम्परेचर लेस दैन 200 है, अगर टेम्परेचर लेस है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अगर ग्रेटर है तो सोडियम सल्फेट्स। नेम किसने, लोअजर ने, नेम पहले क्या था, म्यूरेटिक एसिड। अब ये बात आपको जहन में होना चाहिए, फर्स्ट इसका नाम था वो क्या था, म्यूरेटिक एसिड। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसका नाम क्या था, ये बात आपके जहन में होना चाहिए, फर्स्ट इट्स नेम वाज म्यूरेटिक एसिड। ये बहुत बार पेपर्स में भी आया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो कॉल्ड। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड्स हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमने सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर टेम्परेचर लेस देन 200 है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 है, तो मीन्स यहाँ पे ओनली डिफरेंस बिट फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी द सेम इन बोथ। और फर्दर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमारे पास फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस, डायरेक्टली कॉम्बिनेशन में तो अगर हाइड्रोजन को एंड क्लोरीन को डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्म्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी करते हैं, और इन इंडस्ट्री में हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट। फ्रॉम फास्फोस ट्राइक्लोराइड, फास्फोस ट्राइक्लोराइड में इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। थर्ड जो मेथड था फ्रॉम, ठीक है विजिबल है आपको,
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है तो सल्फर एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स होता है। वाटर को जब हम डिजोल्व करते हैं क्लोरीन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन, यहाँ पर दरअसल हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, HOCl बनता है। उसके बाद फर्दर ये ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में आता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन स्टेट में एयर से कम बनता है, ऑक्सीजन स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, यही मेथड था। और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने, कलरलेस गैस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्युबल इन वाटर है और सॉलिड बिहेवियर देन एयर। यही तक का आज का लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आज के लिए यहीं पे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।